आप सब तो देख लीजिए, मेरा भाई अभी पेड़ में चढ़ा है, दीवार पे चढ़ा है, सॉरी पेड़ में चढ़ा है। अभी मैं आई हूँ ड्यूटी से और भाई अभी साग तोड़ रहे, तो आप लोगों को सोचा दिखा देती हूँ। मेरा पूरा फेस ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी हिलाना है मुझे, तो इसको पहले भाजी तोड़वा ले रही हूँ क्योंकि बाद में ये नाटक करेगा, मुझे पता है। फिर उसके बाद आज हम लोग तुलसी पेड़ जगाएंगे, तो आज गुरुवार है तो शाम का टाइम है, अभी नहा के जगाएंगे तो हो भी जाएगा। मौसम भी थोड़ा बदली बदली, एक ठो लगाए थे तो मनु उखाड़ दिया, ये देख लीजिए। लेना रे एक ठो, डायलॉग मार रहे बचपन का प्यार। और इतना धूल एक सेड बना पागल खुद भी, पूरा मुँह में संदा जा रहा। क्लीनिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल हो रहा है शेड में। तो हेलो फ्रेंड, देख लीजिए मैंने साड़ी पहन लिया हुआ है, तो ये मेरा थोड़ा अच्छे से पहनने के लिए नहीं आता मुझे, तो मैंने खुद से वियर किया है साड़ी और रेडी हो रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर दूं। तो अभी तुलसी चौरा मतलब लगाएंगे, जगाएंगे, क्या बोलते हैं आप लोग, लगाएंगे बोलते हैं हम लोग, तो तुलसी चौरा लगाएंगे, सॉरी अच्छे से नहीं दिख रहा वो, तो तुलसी चौरा लगाएंगे जिसके वजह से मैं तैयार हो रही थी। तो पाउडर अप्लाई करी हूँ, कुछ भी अप्लाई नहीं की हूँ क्योंकि अभी कुछ कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी मेरा फेस के जो दाने हैं वो छूट रहे हैं। तो पाउडर लगा चुकी हूँ मैं, और क्या लगाऊँ, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन लगाऊँ क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो थोड़ा पिंक देख लीजिए, थोड़ा पिंक कलर है ये, तो पिंक वाला साड़ी भी पहनी हूँ। ये ब्लाउज मैंने रेडीमेड लिया हुआ था जब गांव गई थी तब से लेके आई थी, तो एक बार भी नहीं पहनी हूँ इसको, आज ही पहनी हूँ। ये हल्का सा डार्क करने के लिए लगा रही थी, इसके पहले मुझे वो अप्लाई करना था, क्या बोलते हैं इसको, लिप लाइनर, लेकिन मैंने नहीं किया है, सॉरी भूल गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ इसलिए, तो अभी कर लेती हूँ, कोई नहीं। ऐसे मेरे होंठ जो हैं बहुत छोटे हैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा पता नहीं मुझे सूट करता है कि नहीं, लेकिन लिपस्टिक कभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, अभी भी लगाना सीखी थी तो मन नहीं करता, और बहुत लोग बोलते हैं लगाया करो, तो मैं नहीं लगाती हूँ, क्या करूँ। तो मेरे ये सिंदूर है, ये मेरे पास सिंदूर है और ये वाला भी सिंदूर है, तो इसी को लगा लेती हूँ थोड़ा सा। बहुत लोग बोलते हैं आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती, लगाया कीजिए, तो सच कहूँ तो मुझे मन नहीं करता। बिंदी छोटा हो गया क्या, ज़्यादा ऊपर हो गया, तो कोई नहीं। मेरा भाई देख के हंस रहा है मेरे, आ जाएगी ये ती, आ जा, मेरा भाई देख के मेरे को हंस रहा है। और ये मैं बहुत संभाल के रखी हूँ, ये छोटी छोटी बिंदी मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये देख लीजिए हो गए मैं रेडी, बस इतना रेडी होंगी और नहीं होंगी, ये तो सब लोग फार्म वाले मुझे ही देखेंगे ना, आज पहली बार तैयार हुई है मोनू की मम्मी ये बोल के।
तो मैं आप लोगों को फुल लुक अपना दिखाती हूँ। ओ फ्रेंड, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे दिखाऊं। एक मिनट, मैं अपने भाई को शूट करने के लिए बोलती हूँ। कैसे करा था सर? हैं, ले ना बैक कैमरा ले, शूट कर दी थोड़ा सा। तो देख लीजिए, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और सामने से भी दिखा देती हूँ आप लोग। गले में कुछ पहनना है मेरे को, अभी पहनी नहीं रुको, पहन लूँगी उसके बाद में। सो फ्रेंड, देख लीजिए ये मेरा फाइनल लुक। तो सिंपल सी साड़ी है ये, शायद मैंने मेरे बर्थडे में या मोनू के बर्थडे में पहना था। तो ये सेम है मेरे पास दो, और एक और है तो वो थोड़ा मतलब ये वाला कलर का है, जो आसमानी कलर बोलते हैं ना, वो ब्लू कलर ये है। और एक पिंक है, इसमें भी आसमानी वाला फ्लावर है, तो वो थोड़ा सा चेंज है और ये थोड़ा सा चेंज है। तो दो साड़ियाँ हैं सेम, मतलब सेम तो नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है बस बॉर्डर का, बाकी सेम है। तो कैसे लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। पहनना तो अच्छे से आता नहीं है, फिर भी सोचा आप लोगों के अब मत बोलने पर एक बार ट्राई करके देख लेते। और मेरे हेयर देख लीजिए कितने ड्राई लग रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छे से कंघी नहीं की हूँ और जल्दी से पूजा करना है इसीलिए, और इन लोगों को भी काम पे लगाती हूँ अभी। तो आप, मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हूँ थोड़ी झूठी तारीफ बोले कर दो, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, बोलो अम्मा अच्छी लगती है ना, बोलो। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। मैं कैसे लग रही हूँ बेटा? मेरा कुतिया सोना खा गया तेरे, मेरा बाबू है, मेरा बच्ची रे, मेरा बाबू बच्ची रे कर रहे हो रे। तो मैं तैयार हो गई हूँ, ये लोग कहाँ गए थे अभी आए, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अभी मुझे खाना भी बनाना है, मैंने खाना नहीं बनाया अभी तक। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैं आप लोगों को अपना जो मोबाइल का कवर है वो दिखा रही हूँ, देख लीजिए आईने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही शूट कर रही हूँ तो सोचा दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, नया कवर है ये तो, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मतलब गाजरी कलर है, रेड भी नहीं है ना
एकदम ज़्यादा टमाटर रेड भी नहीं है, थोड़ा गाजरी टाइप का है हल्का, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो सीधे नहीं दिखा सकती क्योंकि सूट सीधा करूँगी तो फिर वीडियो अच्छे से नहीं आएगा, तो ऐसे ही सूट किया जाता है। तो देख लीजिए तो कैसे लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा हमारा हो चुका है और अभी हम लोग खाना बनाएंगे, सादा दाल चावल भाजी यही सब बनाएंगे और उसके बाद में खाना खाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या आज बनाते हैं। सोच रही हूँ साग बना दूँ, और अगर वीडियो शूट नहीं कर पाई तो माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो मोबाइल में ज़्यादा बैटरी नहीं है इसीलिए। और तुलसी चौरा बैठा था एक बार तो मोनू खींच दिया था, इसीलिए दोबारा से पूजा कर रहे थे और दोबारा से फिर से लगाए हैं वहाँ पे। कल घेरेंगे नेट से अच्छे से, कल सुबह अच्छे से मतलब बनवाएंगे वहाँ पे, और आज बस लगा दें क्योंकि आज गुरुवार था इसीलिए। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं साड़ी में कैसे लग रही हूँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो सोचा मैं ब्लॉग इंट नहीं की हूँ कल, तो ब्लॉग इंट कर देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। आज मैं काम पे नहीं गई हूँ, 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि कुछ सामान लेके आना है, राशन का सामान ख़त्म हो गया है। तो अभी राशन का सामान लेके आएंगे और उसके बाद में फिर आके मतलब मार्केट से आके फिर काम में जाऊँगी। और मतलब होगा हाफ डे छुट्टी तो होगा, लेकिन का राशन का सामान भी लाना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, आज मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए, फिर उसके बाद आके काम में जाऊँगी तो फिर शूट करूँगी, दिखाऊँगी कि फिर मैं क्या कर रही हूँ। और अभी यहाँ जहाँ चौरा लगाए हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं नेट का घेराव कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग खींच देते हैं इसी वजह से, तो पहले भी लगाए थे तो खींच दिए थे, तो अब अभी फिर से लगा रहे हैं। और सुबह का नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और अभी जाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों को बाद में।